जब तुम अपनी मम्मी के सामने हमारा उठा के चूसने लगी थी। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत ही स्वागत है आप ही सबके अपने चैनल दिल्ली के दिलेर पे। दोस्तों, आ गया है डबल मीनिंग लव लेटर का पार्ट 2, और अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, जाओ जाके देखो। और हाँ, आज हम लिखवाए हैं दिल्ली की लड़कियों से अपनी मार्लों के लिए कुछ लेटर जो है इस तरीके के। तो यार, पता नहीं कहाँ गंदे गंदे लेटर लिखी है मेम साहब लोग, तो चलिए चल के वीडियो देखिए, पता लगाते हैं क्या लिखी है। हेलो, हेलो, जानते हैं हमको? नहीं। हेलो क्यों कर रहे हैं? ओके, जानते हो मेरे को? नहीं बिल्कुल। तो फिर हेलो कर रहे हैं। शक्ल देखी भी लग रही है। अच्छा चलो, मेरी एक मदद कर दो। अच्छा, तो एक मदद चाहिए था आपका, कर देंगे? हाँ जी। पहले तो आप सुंदर बहुत हैं। धन्यवाद। अच्छा, आप एक काम कीजिए, हमको ना अपना एक जोरी को लेटर भेजना है। अच्छा, तो आप वो लिख देंगे? हाँ। वो ABCD वाला भाषा समझती है ना, हमको उस भाषा आता नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो पढ़ी लिखी है ना? अच्छा, लिख देंगे? आप पढ़ी लिखी है? हाँ जी। अच्छा, कहाँ तक? मैंने ग्रेजुएशन करा है। अच्छा चलिए, एक काम कर दीजिए, हमारी मेहरारू को ना हमको एक लेटर लिखना है, तो आप लिख के भेज देंगे ऊपर? हाँ, एक लेटर लिखना है तो लेटर लिख दीजिए बस, उसको एक लेटर हमको भेजना है। वो तो गांव में रहती है ना, तो इसलिए हमको एक लेटर लिखना है। लिख दीजिए एक लेटर। पढ़ी लिखी है आप? पूछ लीजिए, बैठ जाए यहाँ पे। देखिए, हमरी प्यारी, हिंदी में, इंग्लिश में, ABCD वाली भाषा में लिखी है। वो टीचर है ना गांव में, नशा मुक्ति केंद्र में। हमरी प्यारी मार्लो, नाम है ओकर, नाम है। हमरी प्यारी, हाँ जी, मार्लो, ये नाम है, ये नाम है। अच्छा, ऐसा लग रहा है ना कोई कार्य है, लेकिन ये नाम है, नाम है। अच्छा, ABCD वाली भाषा में लिखना, वो हमारी गर्लफ्रेंड पढ़ी लिखी है ना। हाँ, वो नशा मुक्ति केंद्र में थी ना, नौकरी करती थी, तो मैं वहीं गया था, तो वहीं वो हमको मिली रहे। लिख दो, हमरी प्यारी राज बुलारी मार्लो, नाम है उसका मार्लो, नाम नाइस नेम है ना। अच्छा लिखिए, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ जी। और याद है तुमको? जब हम उस दिन तुम्हारे दोनों दबा रहे थे। हाँ? आगे? जब हम उस दिन तुम्हारे दोनों दबा रहे थे तो तुमको मजा आ रहा था। पाँव, पाँव दबा रहे थे ना हम। अच्छा अच्छा। अरे अपनी बीवी का सेवा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? फिर दिल्ली में ऐसी कहीं लड़की मिलेंगी? नहीं नहीं। बताइए, तुम उस दिन हमारा क्यों खड़ा कर रही थी? अरे शर्मा गई, हिंदुस्तानी लड़कियां कितनी अच्छी होती हैं। जबकि तुम जानती हो कि जब हमरा एक बार खड़ा हो जाता है तो बैठता नहीं। अरे अरे भतीजा, हम अपने भतीजे की बात कर रहे। अरे यार, हम अपने भतीजे की बात कर रहे हैं। हमारा भतीजा, हमारा जो भतीजा है वो, उसकी बात कर रहे हैं हम। शादी तुम किसी से भी कर लो, आपने तो आपकी गर्लफ्रेंड है, मतलब होने वाली है ना, तो हम पहले ही बना लिए हैं। मनी मन होता नहीं है कि वचन दे दिए और ससुर कर लिए सब कुछ। अच्छा। हाँ, शादी तुम किसी से भी कर लो। हाँ। लेकिन डालेंगे तो हम ही मंगलसूत्र गले में। अच्छा। मंगलसूत्र यार, अरे आप ऐसे चौंक काहे जाते हैं, मतलब हम क्या कुछ गलत बोल रहे हैं क्या? लिखिए आप पूरा, मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ, आप मुझे हिंदी में बोलो, मैं इंग्लिश में। यहाँ बैठ जाए हम? आप बैठो, कहीं बैठो। ये फोन आपका है? आप ही की जगह समझ।
लिखिए। इंग्लिश तो समझती है ना? इंग्लिश समझती है हाँ। पर एबीसीडी वाली भाषा में लिखिएगा पूरा ना। बोलिए बोलिए लिखिए बता लिखिए। अब जब हम गांव आएंगे तुम नीचे के बाल काट लेना, हम आते ही डाल देंगे। क्या बोले? तुम नीचे के बाल काट लेना, हम आते ही डाल देंगे। पायल पायल, अरे पायल मैडम पायल, अरे पायल कह रहे हैं हम। अरे यार आप तो बड़ा ही गलत समझती हैं, हम पायल कह रहे हैं मैडम। आप पायल पहनती है? नहीं तो हम पायल डालेंगे। Kindly get waxed on time। हाँ ऐसे ही लिख दीजिए। जब जब तुम तैयार होके आती हो हमरा मन करता है तुमको देखते ही बजा दें। अरे कहना क्या चाहते हो? पक्का ये लिखना है? जब जब तुम तैयार होके आती हो क्या उसके आगे क्या लिखे आप? हमरा मन हाँ करता है आगे तुमको देख के बजा दे। oh, yeah. अच्छा गाना अच्छा गाना वो तैयार हो क्या ना, मन करता जैसे हमें गाना बजा दे। तो सीधा सीधा नहीं कह सकते था ट्रेन का एक दिन तेरी राह हूँ मैं, ऐसा कुछ एक साथ बोलो ना, इंग्लिश में दिक्कत होती है वो। अरे वो हम बोल तो दे लेकिन मेरे जो शब्द है ना हमारे शब्द ससुर ऊपर नीचे हो जाते हैं। ससुरा यही तो दिक्कत है। एक तो ससुरी सुंदर सुंदर लड़कियाँ इतनी दिख रही है सीपी में, हम कहा बताए। मतलब इतनी सुंदर लड़कियाँ हमको दिख रही है, हम तो सोच रहे हैं आप में से किसी को गर्लफ्रेंड बना लें। लिखिए। और जब तुम तेल लगा के हिलाती हो अरे उंगली बालों में, अरे अरे मतलब यार आप सोच का रही है इसका और कोनो मतलब निकलता है का? नहीं नहीं सही है। जब तुम तेल लगा के बालों में हिलाती हो तो चंपी का मजा ही आ जाता है। और जब तुम पार्टी में उस दिन झुकी थी हमें तुम्हारे बड़े बड़े दोनों दिख गए थे। oh, yeah. कान के झुमके मैडम, अरे मैडम कहा समझ रही हैं आप, कान के झुमके कह रहे हैं हम। ए, आप तो कहा समझ रहे, आप इसका कोई और मतलब भी निकलता है क्या? नहीं, नहीं यही मतलब है ना। आप तो हंस रही, हमको लग रहा है कि हम कुछ गलत कह रहे हैं। हम सही कह रहे हैं ना? हाँ। तो हम अच्छे लड़के हुए ना, मतलब उस दिन जब हम डाल रहे थे तो याद है तुम कैसे कह रही थी, बस बस और मत डालिएगा खून आ रहा है। कितना खून सवार है इसके सर पे, देख रहे हो कैसी गंदी गंदी बातें करता है ये आदमी। अरे वो चूड़ी चूड़ी, अरे मैडम चूड़ी चूड़ी डाल रहे थे हम, चूड़ी डाल रहे थे। याद है जब हम उस दिन घुसा रहे थे और तुम चिल्ला रही थी? आप क्या लिखवा रहे हो भैया? भाई बनाया तूने, तेरे बिना चैन मुझको भैया नहीं अबे अबे नाम है हमारा। तो तुम कह रही थी और मत घुसाइए खून निकल रहा है। अरे चूड़ी हाथ में चूड़ी घुसा रहे थे ना। अरे आप तो ऐसा गलत समझ रही हैं यार। मतलब आप हमको ऐसा गलत नहीं समझिए, आपका सोच मुझे बड़ा ही खराब लग रहा है। इस बार जैसे ही हम गांव आएंगे तुम नीचे के बाल काट लेना, हम डाल देंगे। पायल पायल, अरे लड़कियां वो कराती है ना मैनीक्योर पेडीक्योर ऐसे कुछ पैर वैर में, तो हम ऐसे करके वो पायल डाल देंगे उसके पैर में, पायल के लिए बोल रहे हैं हम। याद है उस दिन जब तुम बेहोश हो गई थी सिर्फ एक ही घंटा में और हम 5 घंटे करते रहे थे? oh, yeah. आप किसी और से लिखवा लीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे मतलब बातें वो सो गई थी ना, हम उससे करते जा रहे थे वो सुबह हो गया ससुर। अच्छा। हाँ लिखिए। और तुम हमारी गर्लफ्रेंड हो, सिर्फ हमको ही हक है तुम्हारी फाड़ने का। क्या बेडशीट? घर का बेडशीट, आपको नो और तो नहीं फाड़। ये तो कोई वो ही नहीं निकली ना लाइन। क्यों वो बोली? अब जैसे आपका जो बॉयफ्रेंड होगा, आपका बॉयफ्रेंड है तो वही आपकी फाड़ सकता है ना। oh, yeah.
घर का बेडशीट? घर की बेडशीट क्यों फाड़ेगा? मतलब ऐसे हंसी मजाक में तो खेला? घर की बेडशीट क्यों फाड़ेगा यार? खेलते में हंसी मजाक में फाड़ दे, खेलते में घर की बेडशीट क्यों फाड़ेगा? अच्छा, आप आपके यहाँ ऐसा नहीं है फाड़ने का? ऐसा नहीं होता कुछ। हमारे यहाँ तो है ऐसा। नहीं, लिख दिए? हाँ, लिख दिए। और एक और लिख दीजिए लास्ट वाला। वो दिन तो तुमको याद ही होगा जब तुम अपनी मम्मी के सामने हमारा उठा के चूसने लगी थी। अभी तेरे को फोटो डालूं मैं? एक लेटर, एक लेटर। वो मेन बात पे भी, अरे एक लेटर है, लेटर है, लेटर है, बता तो रहे हैं। उसका हम रिवील करेंगे ना, हम का कहना चाहते हैं हम बताएंगे अभी। अरे बताएंगे बताएंगे। उस दिन जब तुम हमरा उठा के चूसने लगी थी। oh, yeah. क्या हुआ बहन? अरे आप गलत काहे समझ रही है हमका? हे भगवान, हे भगवान, आप हमका गलत काहे समझ रही है? नहीं, आप किसी और से लिखवा लो, आप मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या लिखवा रहे हो। उस दिन जब तुम हमरा, मैं हम बताएंगे ना क्या लिखवा रहे हैं। अरे हमरा पता क्या है, हम थोड़ा ना शब्द ना हमारे से घूम जाते है भैया, आपके शब्द कुछ ज्यादा ही घूम रहे हैं। उस दिन जब तुम हमरा उठा के चूस रही थी आगे, तो तुम्हारी मम्मी बोली, आगे बता दो आप मुझे पहले, कि बेटा चूसने दो, बड़े शौक से चूस रही है। आप क्या लिखवा रहे हो भैया, आप ही रखो। अरे तो बात नहीं, हम नहीं। अरे तो बात आप किसी और से लिखवा। अरे तो बात तो सुनो, इसके आगे का तो लिख दीजिए, मतलब ये तो लिख दीजिए, तुम्हारी मम्मी बोली बेटा बड़े शौक से चूस रही है, चूसने दो। अरे इसके बाद मैं, हमारा मेन शब्द आ गया, हमारा मेन शब्द आ गया, मतलब ये रहा, ये रहा, ये रहा, बताओ। तो आज हम आ रहे हैं तुमसे दबा के चुसवाएंगे आम, आम, अरे आम गर्मी में। अच्छा एक बात बताओ, गर्मी में गर्मी में आम नहीं चुस, गर्मी में आम नहीं चुस। अरे गर्मी का एक लाइन, एक लाइन, एक लाइन। उस दिन ले रही थी तो तुमने पूरा नहीं लिया था, आज आके पूरा ले लेना। पलंग का नाप तू समझा, ये बोलता काहे को नहीं या बाबा? पलंग का नाप, अरे पलंग का नाप मैडम। इस बार जब आएंगे, हाँ लिखो लिखो, क्या वाहियात लेटर लिखा रहे हो, मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना रही हूं। मेरे हाथों में नाना, ठीक है, ये क्या किया आपने? ये चूड़ी बनाई है, ये थोड़ी इन्होंने डाला, और ये किया क्या आपने? क्या ये क्या घुस क्या रहा है? ये चूड़ी है, चूड़ी है तो तो एक घुसाने वाले का भी तो हाथ यहाँ से डालिए। अच्छा ये बता, ये बस लिख दीजिए वो जो लास्ट में फ्रॉम, तो वो तो लिख दीजिए फ्रॉम कुरुम जो लिख दे, एक लाइन लिख दीजिए और, ये लिख दीजिए चुसवाने वाला लिख दिए। हाँ, आम, आम 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 चुसवाने वाला लिख दिए, लिख दिए, लिखिए फ्रॉम, आपका नाम, तुम्हारा प्यारा घोड़ा, आपका नाम घोड़ा है, आपने तो अभी बताया, तो वो हमको प्यार से घोड़ा कहती है ना। ये जिसका आगे तो लिखिए फ्रॉम घोड़ा, हाँ, तुम्हारा प्यारा घोड़ा, हाँ, जिसका बहुत ही बड़ा है दिल। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। अरे जूते का साइज, जूते का साइज, अरे जूते का साइज, अरे जूते का साइज, हमारी हाइट देख के आपको लगता है हमको 12 नंबर का जूता आता होगा, तो लिख तो दीजिए। हाँ लिख दिया मैंने, लिख दिए, पोस्ट ऑफिस में डालते हैं। हाँ, तो डालते कैसे वहाँ पे? मुझे नहीं पता, मैंने कभी चिट्ठी भेजी नहीं किसी को। तो आपने कभी डाला नहीं? नहीं, मैंने चिट्ठी नहीं भेजी, चिट्ठी नहीं भेजे, मतलब डालते कैसे, डालेंगे कैसे, ऐसे करके पूरा डाल दें? हाँ पूरा डाल, नहीं आधा ही डाले, पूरा डाले ना। हाँ, हाँ, पूरा पूरा नहीं, आधे से काम चलता। और इसमें अपना नंबर लिख देंगे आप? नहीं, व्हाट्सएप पे बात करेंगे ना। थैंक यू। आप भी नहीं देंगे नंबर? तो बिल्कुल, क्यों ऐसा क्यों? हम गांव से एक के लिए नहीं, कि हमारा नाम घोड़ा एक के लिए। आप शादीशुदा हैं? अच्छा, सिंदूर ना लगाए इसका मतलब ये नहीं कि मैरिड नहीं है, क्रिश्चियन है ना। हाँ नहीं तो। अच्छा आप मतलब आप स्टार प्लस की बहू की तरह हैं, सिंदूर विंदूर नहीं लगा हुआ? वो तो लगाती है, वो तो पूरे लाली लिपस्टिक। अभी डालते कहाँ पे? पोस्ट ऑफिस में। डालते कैसे इसे? वहाँ पे जाके पूछ। हाँ। आपका नंबर? आपका नंबर ना? आपका। मेरा नंबर क्यों?
माफ से बात करेंगे ना, आप हमारी हेल्प की है ना। नहीं कोई बात नहीं, हो गया। अच्छा एक दिल्ली की दिल्ली की लड़कियों के बारे में एक लाइन लिख दीजिए यहाँ पे। मार्लो मार्लो का नाम फ्रॉम के नीचे मार्लो, तुम तो गांव में रहती हो और दिल्ली की लड़कियों का शहर में रह के भी तुमसे ज्यादा बड़ा है। क्या दिल? अब दिल था, अब दिल था, अब हम दिल बोले रहे, दिल बस, दिल। ये क्या लिखा है? दिल बड़ा है। ओके थैंक यू, धन्यवाद। तो हम जाएं अब? हाँ? तो हम दोस्त नहीं बन सकते? नहीं, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। नहीं, नहीं, नहीं। आपकी गर्लफ्रेंड है ना, आप उसके पास जाइए। जाएं हम? हाँ बिल्कुल। जी हाँ जी, एक्चुअली हमारा नाम घोड़ा नहीं, हमारा नाम अभय है। ओके। और आप सच में बहुत सुंदर हैं। अच्छा। ये कैमरा है, कैमरा का देख के हाय कर दो। हाय करिए, देख के देखिए कैमरा। आपको कैमरा नहीं दिखा शुरू से? नहीं। तो हम कैमरे से हम प्रैंक कर रहे थे, हमारे चैनल का नाम है दिल्ली के दिलेर, सो प्लीज डू सब्सक्राइब शेयर कमेंट। ठीक है, वैसे आप नंबर वंबर तो नहीं देंगे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं, मतलब मैं देना भी नहीं चाहिए, ये खराब है, ये चीज गलत है। अरे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था। ओके बाय। होप गाइस आपको प्रैंक पसंद आया होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और हाँ, ये है पार्ट 2, और इसको भी पार्ट 1 की तरह ही बहुत सारा प्यार देना। टिल देन कीप वॉचिंग, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और देखते रहें आप लोगों का अपना चैनल दिल्ली के दिलेर।